आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कल हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इससे पहले वाली वर्कशीट में व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को नियमों का पालन करना क्यों ज़रूरी होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कैसे किया गया था। वर्कशीट नंबर है बेटा 11, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, तारीख है 30 जुलाई 2020। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। अगर आपने लेट्स जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर अमिड द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इंडिया जैसे विशाल और विभिन्न जहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग हैं उस देश के लिए बहुत आसान नहीं था, और ख़ासकर उस वक्त जब हम लोगों ने बहुत ही बुरा एक पार्टीशन देखा था इंडिया और पाकिस्तान में, जिसमें बहुत ज़्यादा दोनों तरफ लोगों की हत्या हुई थी। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज़। However, the good thing was that in India, the consensus with regard to making the constitution had already developed during freedom struggle. क्योंकि ये good thing हमारे साथ ये रही कि जब हम लोग freedom के लिए struggle कर रहे थे तभी हमारे अंदर एक consensus था, हमारे आपस में एक विचारधारा थी, एक तरफ एक मत से सहमत थे सब लोग कि हम लोग constitution बनाएंगे। फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या क्या था बेटा उसमें? एक तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सबको वोट डालने का अधिकार होगा एक उम्र के बाद, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी, राइट टू इक्वालिटी, समानता, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा जाएगा। तो ये बातें हमारे पास पहले से थी। दिस मीन्स दैट कंसेंसस ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस अमंग द लीडर्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगेन। ये जो संविधान सभा बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, इससे बहुत साल पहले ये आपस में लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द ड्राफ्टिंग ऑफ द वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, उसे लिखने के लिए कुछ लोगों को चुना गया था, कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके समूह को, उन असेंबली को हमने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कॉम्प्राइज्ड ऑफ कितने लोग थे? 299 मेंबर्स, और पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे यहाँ पर प्रेसिडेंट, हालांकि ये सिर्फ एक ही मीटिंग के लिए थे, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से मीटिंग करी जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी बने। सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज इन फ्रंट ऑफ वेरियस कमेटीज़। अलग अलग कमेटी बनाई गई, हर एक बात मुद्दे पर जो जो उसमें लिखा गया था उस मुद्दे पर गहन चर्चा की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी नेतृत्व कर रहे थे, वो हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में? 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था, यानी कि लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हम लोगों ने अपना संविधान तैयार कर लिया था, क्योंकि पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक का वक्त लिया हमने। एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब संविधान बनकर तैयार था 26 नवंबर 1949 को, जिसको पूरे देश को समर्पित किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसको रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। अब एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कंट्रीज़ को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखनी पड़ी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज़ बनकर रह गया था। हाउएवर पिछले 70 साल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बाइंडिंग रहा है, काफ़ी खड़ा उतरा है हमारे सारे टेस्ट पर, सारे जितने भी मुद्दे हैं उन पर। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स एंड ट्रीट्स मेंबर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप्स कास्ट क्लासेस एंड रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन इक्वली। क्योंकि हमने सबसे ऊपर रखा था राइट टू इक्वालिटी, और हमारे लिए सभी समूह, सभी धर्म, सभी लोग बराबर हैं। अलॉन्ग विद द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि हमने लागू किया कि एक उम्र के बाद सबको वोट डालने का अधिकार होगा, वॉज रिकोगनाइज, दिस वॉज नॉट प्रीवेलेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसे लागू किया। ओवर द टाइम मैनी अमेंडमेंट्स टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंड इंटैक्ट। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वही रही, आत्मा वही रही, हालांकि बहुत सारे चेंजेस समय समय पर करने पड़ते हैं, वक्त की डिमांड होती है उस हिसाब से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने पहले ही पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द ड्राफ्टिंग ऑफ द
वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसमें 299 मेंबर्स थे. उनकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई. आप पहले देखेंगे मार्क्स कितने मार्क्स का है क्वेश्चन, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ़ फैक्ट्स देंगे. अगर मार्क्स ज़्यादा होंगे क्वेश्चन के तो आप ज़्यादा फैक्ट्स देंगे. एक मार्क का है तो सिर्फ इतना लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिनको ये ड्यूटी दी गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करेंगे. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कोई दौर आए नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड, कब लागू की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1950 को, which the day on which we celebrate Republic Day every year was the day when Constitution of India was enforced. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगर आपको संविधान बनाना होता तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखते अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के लिए अगर आपको संविधान लिखना होगा तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. मान लो आपको स्कूल के लिए रूल बुक बनानी है, क्या बनानी है, रूल बुक बनानी है. रूल बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बुक में आप क्या क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स के लिए नियम, सुबह आने के नियम, सुबह वर्दी पहनने के नियम, किस तरीके से आना है, क्लासेस के नियम, टीचर्स के लिए नियम कि कब जाएंगी क्लास में, कितने पीरियड्स होंगे, बच्चों के लिए कितने पीरियड्स होंगे, कितनी पढ़ाई होगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितने गेम्स के पीरियड होंगे, ये आपको खुद बनाना है एक रूल बुक, जिसमें आप ये लिखनाएंगे कि आप क्या चाहते हैं कि आपके स्कूल में क्या क्या हो. ठीक है, तो ये दिस इज़ द वर्कशीट. आई होप आई एम डन, आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स. इन केस कुछ रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई ट्राई एंड हेल्प यू आउट. आई थिंक बिल्कुल आसान चैप्टर है, और इस चैप्टर को एक बार रीड करना शुरू कीजिए बेटा, क्योंकि इसकी दो वर्कशीट आ चुकी हैं, पिछली वर्कशीट भी और ये वर्कशीट भी. अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे हैं इन वर्कशीट्स का तो प्लीज़ इसको कॉपी में नोट करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे, तो इसलिए इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट करिए. चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.